नए स्टूडेंट है, नए जो मेरे से अभी फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं मेरे से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, चलो तो आज हम लोग प्रॉपर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, गुड आफ्टरनून जो भी हो रहा है, वैसे गुड इवनिंग हो रहा है, तो गुड इवनिंग मैंने बोल दिया। कोई नए स्टूडेंट है, नए जो मेरे से अभी फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं मेरे से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक चीज तो ये समझ लो कि आप पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन है ही आप लोगों को, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, नाम तो जानते ही होंगे है ना, कुछ कुछ लोगों ने सुनना स्टार्ट कर ही दिया है, नाम स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट कर रखा है रिकॉर्डिंग। ठीक है चलो, आज सारे हैप्पी हैप्पी चेहरे में नेट पे चेक करूंगा, आज मैं बड़ा बड़ा गाँव। ठीक है चलो, तो आज हम लोग प्रॉपर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मैंने जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आज हम यहाँ पर जगह है, अभी अभी हमारे पास जगह है, और कोई है आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि हम लोग, मेरा मैं ऑडिबल हूँ, लास्ट तक ऑडिबल हूँ प्रॉपर एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, देखो सबसे पहले मैंने एक तरीका तुमको सिखाया केमिस्ट्री में ना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कि अगर आप एक इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो फिर ठीक है, और इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या होगा, आपको मज़ा नहीं आया, अरे रोओगे मेरी शक्ल देख के, अरे आ गए पता नहीं कहाँ से दुखी आत्मा। तो अपने को ना सब्जेक्ट में ये नहीं करना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इन्जॉय के साथ सब्जेक्ट की नॉलेज को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओ। तो सबसे पहले मैंने दो बातें आपको सभी को सिखाई थी, मैं एक बार हल्के से उसको रिपीट करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहली बात मैंने बोला था कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको ये पता ना हो कि केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है बताओ, कीमिया। और कीमिया का नया नेम आजकल क्या है, इजिप्ट, बहुत बढ़िया राइट। तो कीमिया का नया नेम क्या है, इजिप्ट है। अच्छा दूसरी चीज मैंने बताया था, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवो, आप एक साथ फ्लो फ्लो में बोले तो लेवोशियर, ठीक है लेवोशियर, मैंने स्पेलिंग को तोड़ के बताया था, ले बो इज ईयर, ले बो इज ईयर, अब एक साथ बोल दोगे तो क्या आ जाएगा, लेवोशियर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बताओ। तो केमिस्ट्री में एटम्स की डेफिनेशन पता है, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पता है, कंपाउंड पता है, एलिमेंट पता है, एलिमेंट क्या होता है पता है ना सबको, सारे एटम्स अगर हमारे को, हम बोलते हैं कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम किस फॉर्म में मिले, बल्क फॉर्म में मिले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो केमिकली कनेक्ट होंगे या फिजिकली, बाय फिजिकल फोर्स से कनेक्टेड होंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इतना अभी मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है, सब्जेक्ट पढ़ाया लेकिन चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अभी से इंटरेस्ट लूज किया तो आगे आने वाले समय में फिर जो 11th के अंदर तुम लोग जाओगे स्ट्रीम सिलेक्शन करोगे तो उसमें शायद तुमको उतना मजा नहीं आए। केमिस्ट्री कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, किसमें, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हो, आइदर यू चूज PCM और यू चूज PCB, तो इसलिए केमिस्ट्री का इंटरेस्ट बहुत हाई होना चाहिए तुम्हारा, है ना, उससे तुम्हें मोहब्बत बहुत बढ़िया वाली हो जानी चाहिए। अगर उससे तुम, पता है तुमको एक बात पता होनी चाहिए कि IIT के अंदर, IIT जानते हैं सारे लोग, सब जानते होंगे, IIT नीट सब जानते हैं, नीट वो वाला नहीं कह रहा हूँ लेके बैठ गए नीट, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो नीट के अंदर और अगर आप जाएंगे IIT के अंदर तो केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, जिस बच्चे का केमिस्ट्री खराब होता है वो टॉप रैंक कभी नहीं ला सकता, उसको कभी भी एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। तो अगर आप अपने इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो अगर IIT कॉलेजेस की बात करते हो तो IIT कॉलेज नियर अबाउट 28 IIT कॉलेजेस हैं, और उसके बाद बहुत सारे NIT कॉलेज हैं, NIT समझते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT इज व्हाट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो ये दो कॉलेज में जब बच्चा जाता है इंजीनियरिंग करने, तो उसका थोड़ा सा रौला एक अलग लेवल का होता है ना। तो आप भी एकदम, जैसे मान लो लड़कों के केस में बता रहा हूँ, अगर लड़कों को ये, अगर ये कोर्सेज से वो जाते हैं करने, तो उनका पैकेज थोड़ा कैसा होता है, हैवी और हाई होता है। तो थोड़ा लाइफ में अपने डिसीजन लेने में, अब ऐसे थोड़ी ना तुमको कोई पसंद आ गई बंदी और तुम फिर जाके पापा से कह रहे हो अभी पापा मेरे को वो पसंद है, पापा जूता निकालेंगे दोनों गाल पे लगा देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर जाके तुम आईटी करने के बाद, चार साल के इंजीनियरिंग करने के बाद, 1.5-2 करोड़ के पैकेज के बाद पापा के सामने जाके कहोगे पापा मेरे को वो बंदी पसंद है, तो पापा कहेंगे कर ले बेटा, यही होगा ना, फिर जूता नहीं आएगा। तो इसलिए पढ़ना, सीरियस होकर के पढ़ना इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो वही चीज़ को दिमाग में लेके चलो, कोई भी शब्द लर्न कर रहे हो ना, एक भी वर्ड पढ़ रहे हो, तो समझ लो तुम्हारी नेटवर्थ बढ़ रही है, कोई भी फालतू नहीं पढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ज्ञान बांट देते, अरे फालतू पढ़ रहे हैं यार, क्यों पढ़ रहे हैं, अरे भाई उनको बताओ, एक एक शब्द, एक एक रुपए है तुम्हारे लिए, तुमने 10 शब्द पढ़े, तुमने अपने 10 रुपए कमा लिए जीवन में, तो मान के चलो। समझ रहे हैं ना, क्लियर? कोई बच्चा बाहर वेट तो नहीं कर रहा है, कर रहे हैं? 4:30 का टाइम दिया था मैंने, आ जाओ बेटा। बेटा बॉल लेट हो गए आप लोग, मतलब 10 मिनट, बहुत नहीं परेशान नहीं हो, यही आ जाओ। 4 आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? आ जाएंगे आराम से आ जाएंगे। अब इस बैच में मुझे लगता है जगह 2 बच्चों की है, 2 लड़कों की बची है, और 2-4 1-2 बेंचेस और आ जाएंगे मुझे लग रहा है, बाकी कैपेसिटी फुल है। तो चलो फिर आज बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। केमिस्ट्री की 2 बातें बिल्कुल सबको क्लियर है? अच्छा ठीक। आज हमारा जो चैप्टर है जिसकी बात हम बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर जानते हो केमिस्ट्री में कौन सा है? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और फिफ्थ इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है साहब, सबको दिमाग में होना चाहिए। कई बार टीचर जाते हैं सबसे पहले यहीं से उतारना शुरू करते हैं, कहते तुम बहुत बड़े धनमंत्री बनने हो, उठ जाओ जरा 5 चैप्टर बता दो सिलेबस के, तो तुम भाई वहां अगर खड़े होकर बेइज्जती नहीं पढ़वाना। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 14 कार्बोनेट्स कंपाउंड, 5वां सही है, चैप्टर पता होना चाहिए। अब पहले चैप्टर की बात करते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इक्वेशंस हम सब ने मैथ्स में पढ़ी होती हैं। किसी भी बड़ी बात को, हमारी कोई बात हो रही आपस में, और हम अपने आपस में होने वाले कन्वर्सेशन को अगर किसी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, अगर किसी सिंबॉलिक फॉर्म में क्या कर दें, लिख दें, किस बात को, कोई भी बात हो रही है, जैसे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, ठीक, और उस इंफॉर्मेशन को आपने एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वही हमारी क्या कहलाती है, इक्वेशन। वही क्या कहलाती है, इक्वेशन। मैथ्स में पढ़ते हैं ना इक्वेशन, पढ़ते हैं मैथ्स में बहुत सारी इक्वेशंस, एल्जेब्रिकल इक्वेशंस पढ़ते हो आप लोग, पढ़ते हैं। तो वैसे ही देखा जाए तो केमिस्ट्री में इक्वेशंस का कोई मोल बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इक्वेशन बोल दिया लेकिन उसका बहुत ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है। हमसे कोई ये नहीं पूछा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कोई बोलता है तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन कोई नहीं है, राइट? लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन किसका है, केमिकल रिएक्शन का है। बात समझ रहे हैं, किस चीज का है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस, ऑफ अ केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन पढ़ा तो केमिकल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शन कई तरह से आप मान सकते हैं, जैसे बेसिकली हम 2 या 3 तरीके की मानते हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई इक्वेशन, हमने आपको कोई भी एक सिचुएशन दी, सपोज दैट मैंने कहा कि When we heat calcium carbonate, ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया When we heat calcium, किसको भैया, calcium carbonate को,
ठीक है, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हाट, कार्बन डाई, यस कार्बन डाई ऑक्साइड विल बी फॉर्म, कार्बन डाई ऑक्साइड विल बी फॉर्म। मान लो ये कि हमने एक आपको एक सिंपल एक टर्म एक सिचुएशन दे दी, तो हम क्या कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फिर हमें कैल्शियम ऑक्साइड, हमने अब जैसे मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूं एक चीज ध्यान से सुनना, ये मैं वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। मैंने मान लीजिए यहां पर पहले लिखा है वर्ड इक्वेशन, अब बोलो वर्ड इक्वेशन क्या है, सर वो समझ लेते हैं। वर्ड इक्वेशन अगर हम देखें किसी भी गिवन सिचुएशन को वर्ड्स की फॉर्म में लिखने को ही हम क्या कहेंगे वर्ड इक्वेशन। किसी भी गिवन सिचुएशन को किस फॉर्म में लिखने को, वर्ड्स में। कैसे लिखना, बड़ा आसान है। देखो जैसे हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमने ले लिया क्या कैल्शियम, ठीक है कार्बोनेट ये लिखा, ठीक कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसे हमें क्या करना है हीट, क्या मिला कैल्शियम ऑक्साइड मिला बच्चे, और क्या मिला कार्बन डाई ऑक्साइड। तो भैया क्या क्या हमको मिल गया, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, तो एक आ गया वर्ड इक्वेशन, अब आएगा एक स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल होता है हमारा, है ना, मास हटा दे अपनी बॉडी से सारा, तो क्या निकल के आएगा एक स्ट्रक्चर अंदर, दैट इज व्हाट स्केलेटल। तो एक क्या हो जाएगा स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है स्केलेटल इक्वेशन आ जाएगा। अब स्केलेटल इक्वेशन क्या आ जाएगा, स्केलेटल इक्वेशन में क्या करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला फॉर्म, ठीक है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaCO3, राइट कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अच्छा इसकी फॉर्म क्या रहेगी सॉलिड, इसलिए ऐसे लिख दिया, दिख रहा है पीछे वालों, बोलो थोड़ा बड़ा करूं क्या जूम करूं, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। इसको हीट किया, हीट लिख भी सकते हैं और अदरवाइज हीट का सिंबल है ये स्मॉल ट्राइंगल जो हम बना रहे हैं वो किसका सिंबल है हीट का सिंबल है। हमने क्या किया, हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, दूसरा क्या मिला कार्बन डाई ऑक्साइड विच इज ऑल्सो फॉर्म इन नॉट इन इट इज इन गैसियस स्टेट। तो ये जो आपने देखा ये क्या हो गया आपका स्केलेटल इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास देखा जाए तो कितने तरीके के हैं, दो वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या, तो इक्वेशन के ऊपर बात क्लियर हो रही है क्या, तो पहले एक हेडिंग डाल दो छोटा सा क्या इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन हेडिंग की फॉर्म में डालना। गुड आफ्टरनून जो भी हो रहा है, वैसे गुड इवनिंग हो रहा है, तो गुड इवनिंग मैंने बोल दिया। कोई नए स्टूडेंट है, नए जो मेरे से अभी फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, मेरे से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एक चीज तो ये समझ लो कि अब पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन है ही आप लोगों को, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है नाम तो जानते ही होंगे, है ना, कुछ कुछ लोगों ने सुनना स्टार्ट कर ही दिया है, नाम स्टार्ट कर लिया है, स्टार्ट कर रखा है रिकॉर्डिंग, ठीक है चलो आज सारे हैप्पी हैप्पी चेहरे में नेट पे शेयर करूँगा। आ जाओ बेटा फटाफट आ जाओ बच्चे, ठीक है चलो। तो आज हम लोग प्रॉपर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है थोड़ी सी मैंने जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आ जाओ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, जगह है अभी अभी हमारे पास जगह है काफ़ी, और कोई है आ रहा है कोई, ठीक है तो अभी क्या है ना कि हम लोग मेरा मैं ऑडिबल हूँ लास्ट तक, ऑडिबल हूँ प्रॉपर एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, देखो सबसे पहले मैंने एक तरीका तुमको सिखाया केमिस्ट्री में ना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कि अगर आप एक इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो फिर ठीक है, और इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या होगा आपको मज़ा नहीं आया, अरे रोगे मेरी शक्ल देख के अरे आ गए पता नहीं कहाँ से दुखी आत्मा, तो अपने को ना सब्जेक्ट में ये नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इन्जॉय के साथ सब्जेक्ट की नॉलेज को एकदम एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाओ। तो सबसे पहले मैंने दो बातें आपको सभी को सिखाई थी, मैं एक बार हल्के से उसको रिपीट करा दे रहा हूँ, ठीक है ना,
तो पहली बात मैंने बोला था कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको ये पता ना हो कि केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है बताओ, कीमिया। और कीमिया का नया नेम आजकल क्या है, इजिप्ट। बहुत बढ़िया, राइट। तो कीमिया का नया नेम क्या है, इजिप्ट है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बताया था, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवो। आप एक साथ फ्लो फ्लो में बोले तो लेवोशियर, ठीक है, लेवोशियर। मैंने स्पेलिंग को तोड़ के बताया था, ले बो इज ईयर, ले बो इज ईयर। अब एक साथ बोल दोगे तो क्या आ जाएगा, लेवोशियर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, बताओ। तो केमिस्ट्री में एटम्स की डेफिनेशन पता है, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पता है, कंपाउंड पता है, एलिमेंट पता है। एलिमेंट क्या होता है पता है ना सबको, सारे एटम्स अगर हमारे को, हम बोलते हैं कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम किस फॉर्म में मिले, बल्क फॉर्म में मिले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो केमिकली कनेक्ट होंगे या फिजिकली, बाय फिजिकल फोर्स से कनेक्टेड होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इतना अभी मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है, सब्जेक्ट पढ़ाया लेकिन चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अभी से इंटरेस्ट लूज किया तो आगे आने वाले समय में फिर जो 11th के अंदर तुम लोग जाओगे स्ट्रीम सिलेक्शन करोगे तो उसमें शायद तुमको उतना मजा नहीं आए। केमिस्ट्री कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, किसमें, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हो, आइदर यू चूज PCM और यू चूज PCB, तो इसलिए केमिस्ट्री का इंटरेस्ट बहुत हाई होना चाहिए तुम्हारा, है ना, उससे तुम्हें मोहब्बत बहुत बढ़िया वाली हो जानी चाहिए। अगर उससे तुम, पता है तुमको एक बात पता होनी चाहिए कि IIT के अंदर, IIT जानते हैं सारे लोग, सब जानते होंगे, IIT, नीट, सब जानते हैं। नीट वो वाला नहीं कह रहा हूँ लेके बैठ गए नीट, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो नीट के अंदर और अगर आप जाएंगे IIT के अंदर तो केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। जिस बच्चे का केमिस्ट्री खराब होता है वो टॉप रैंक कभी नहीं ला सकता, उसको कभी भी एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। तो अगर आप अपने इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो अगर IIT कॉलेजेस की बात करते हो तो IIT कॉलेज नियर अबाउट 28 IIT कॉलेजेस हैं और उसके बाद बहुत सारे NIT कॉलेज हैं। NIT समझते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT इज व्हाट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये दो कॉलेज में जब बच्चा जाता है इंजीनियरिंग करने तो उसका थोड़ा सा रौला एक अलग लेवल का होता है ना। तो आप भी एकदम, जैसे मान लो लड़कों के केस में बता रहा हूँ, अगर लड़कों को ये, अगर ये कोर्सेज से वो जाते हैं करने तो उनका पैकेज थोड़ा कैसा होता है, हैवी और हाई होता है, तो थोड़ा लाइफ में अपने डिसीजन लेने में, अब ऐसे थोड़ी ना तुमको कोई पसंद आ गई बंदी और तुम फिर जाके पापा से कह रहे हो अभी पापा मेरे को वो पसंद है, पापा जूता निकालेंगे दोनों गाल पे लगा देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर जाके तुम IIT करने के बाद, 4 साल के इंजीनियरिंग करने के बाद, 1.5-2 करोड़ के पैकेज के बाद पापा के सामने जाके कहोगे पापा मेरे को वो बंदी पसंद है, तो पापा कहेंगे कर ले बेटा, यही होगा ना, फिर जूता नहीं आएगा। तो इसलिए पढ़ना, सीरियस होकर के पढ़ना इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो वही चीज को दिमाग में लेके चलो, कोई भी शब्द लर्न कर रहे हो ना, एक भी वर्ड पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम्हारी नेटवर्थ बढ़ रही है, कोई भी फालतू नहीं पढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ज्ञान बांट देते, अरे फालतू पढ़ रहे हैं यार, क्यों पढ़ रहे हैं, अरे भाई उनको बताओ, एक एक शब्द एक एक रुपए है तुम्हारे लिए, तुमने 10 शब्द पढ़े तुमने अपने 10 रुपए कमा लिए जीवन में, तो मान के चलो। समझ रहे हैं ना, क्लियर। कोई बच्चा बाहर वेट तो नहीं कर रहा है, कर रहे हैं, 4:30 का टाइम दिया था मैंने, आ जाओ बेटा। बेटा बहुत लेट हो गए आप लोग, मतलब 10 मिनट, बहुत नहीं परेशान नहीं हो, यही आ जाओ, 4 आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? आ जाएंगे आराम से आ जाएंगे। अब इस बैच में मुझे लगता है जगह 2 बच्चों की है, 2 लड़कों की बची है और 2-4 बेंचेस और आ जाएंगे मुझे लग रहा है, बाकी कैपेसिटी फुल है। तो चलो फिर आज बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे, केमिस्ट्री की 2 बातें बिल्कुल सबको क्लियर है। अच्छा ठीक, आज हमारे जो चैप्टर है जिसकी बात हम बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर जानते हो केमिस्ट्री में कौन सा है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। दूसरा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और फिफ्थ इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
ठीक है साहब, सबको दिमाग में होना चाहिए। कई बार टीचर जाते हैं सबसे पहले यहीं से उतारना शुरू करते हैं, कहते तुम बहुत बड़े धनमंत्री बनने हो, उठ जाओ जरा पांचों चैप्टर बता दो सिलेबस के, तो तुम भाई वहां अगर खड़े होकर बेइज्जती नहीं पढ़वाना। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा कार्बनेट्स कंपाउंड, पांचवा, सही है, चैप्टर पता होना चाहिए। अब पहले चैप्टर की बात करते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इक्वेशंस हम सब ने मैथ्स में पढ़ी होती है, किसी भी बड़ी बात को, हमारी कोई बात हो रही है आपस में और हम अपने आपस में होने वाले कन्वर्सेशन को अगर किसी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, अगर किसी सिंबॉलिक फॉर्म में क्या कर दें, लिख दें, किस बात को, कोई भी बात हो रही है, जैसे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, ठीक, और उस इंफॉर्मेशन को आपने एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वही हमारी क्या कहलाती है, इक्वेशन। वही क्या कहलाती है, इक्वेशन। मैथ्स में पढ़ते हैं ना इक्वेशन, पढ़ते हैं मैथ्स में बहुत सारी इक्वेशंस, अलजेब्रिकल इक्वेशंस पढ़ते हो आप लोग, पढ़ते हैं। तो वैसे ही देखा जाए तो केमिस्ट्री में इक्वेशंस का कोई मोल बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इक्वेशन बोल दिया लेकिन उसका बहुत ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है। हमसे कोई ये नहीं पूछा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कोई बोलता है तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन कोई नहीं है, राइट, लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन किसका है, केमिकल रिएक्शन का है, बात समझ रहे, किस चीज का है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस, ऑफ अ केमिकल प्रोसेस, किसी भी केमिकल प्रोसेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन पढ़ा तो केमिकल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शन कई तरह से आप मान सकते हैं, जैसे बेसिकली हम दो या तीन तरीके के मानते हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई इक्वेशन, हमने आपको कोई भी एक सिचुएशन दी, सपोज दैट मैंने कहा कि व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया व्हेन वी हीट कैल्शियम, किसको भैया, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हाट, कार्बन डाई, यस कार्बन डाई ऑक्साइड विल बी फॉर्म, कार्बन डाई ऑक्साइड विल बी फॉर्म। मान लो ये कि हमने एक आपको एक सिंपल एक टर्म एक सिचुएशन दे दी, तो हम क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, फिर हमें कैल्शियम ऑक्साइड, हमने अब जैसे मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान से सुनना, ये मैं वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, मैंने मान लीजिए यहां पर पहले लिखा है वर्ड इक्वेशन। अब बोलो वर्ड इक्वेशन क्या है, सर वो समझ लेते हैं। वर्ड इक्वेशन अगर हम देखें, किसी भी गिवन सिचुएशन को वर्ड्स की फॉर्म में लिखने को ही हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। किसी भी गिवन सिचुएशन को किस फॉर्म में लिखने को, वर्ड्स में, कैसे लिखना, बड़ा आसान है। देखो जैसे हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमने ले लिया क्या, कैल्शियम, ठीक है, कार्बोनेट ये लिखा, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसे हमें क्या करना है, हीट, क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला बच्चे, और क्या मिला, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो भैया क्या क्या हमको मिल गया, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, तो एक आ गया वर्ड इक्वेशन, अब आएगा एक स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल होता है हमारा, है ना, मास हटा दे अपनी बॉडी से सारा, तो क्या निकल के आएगा, एक स्ट्रक्चर अंदर, दैट इज व्हाट, स्केलेटल। तो एक क्या हो जाएगा, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन आ जाएगा। अब स्केलेटल इक्वेशन क्या आ जाएगा, स्केलेटल इक्वेशन में क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3, राइट,
कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अच्छा, इसकी फॉर्म क्या रहेगी? सॉलिड, इसलिए ऐसे लिख दिया। दिख रहा है पीछे वालों? बोलो, थोड़ा बड़ा करूं क्या, जूम करूं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। इसको हीट किया, हीट लिख भी सकते हैं, और अदरवाइज हीट का सिंबल है ये स्मॉल ट्राइंगल जो हम बना रहे हैं, वो किसका सिंबल है? हीट का सिंबल है। हमने क्या किया, हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, दूसरा क्या मिला? कार्बन डाई ऑक्साइड विच इज ऑल्सो फॉर्म इन नॉट इन इट इज इन गैसियस स्टेट। तो ये जो आपने देखा, ये क्या हो गया आपका? स्केलेटल इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास देखा जाए तो कितने तरीके के हैं? दो, वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन।